असलाम क्या हालचाल है आप लोगों के आई होप आप लोग खैरियत से होंगे मैं बिल्कुल ठीक जी तो भाई आज बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड की पसंद का खाना आज इतनी बारिश हो रही थी अच्छा ये व्लॉग है ये बारिश जिस दिन बहुत ज्यादा हो रही थी ना उस दिन क्या बस ये अपलोड मैं इतने लेट कर रही हूं तो उस दिन बारिश हो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई आज तो पूरी खाने का दिल है और मेरा मन भी यही है ना कि दाल की पूरी बनाओ उसके साथ आलू की जो सब्जी होती है खट्टी वाली वो और खीर हो तो क्या ही मज़ा आ जाए तो ये सुनकर तो वाकई मेरे भी मुँह में ना पानी आ गया मैंने कहा हाँ हाँ मैं यही बना लेती हूँ तो बस क्या था मैंने फटाफट से तैयारी शुरू की पहले तो मैंने चने की दाल को बॉयल करने के लिए डाल दिया अच्छा जी खीर तो बिल्कुल वही सेम है जिस तरह मैं बनाती हूँ दूध को बॉईल कर लिया सेक लिया उसमें चावल पीस के डाल दिया थोड़ा सा फिर चीनी डाल दी तो मेरे पास वो खोए का एक वो जैसे मिठाई आते हैं ना पेड़ा वगैरह तो वो मैं रख लेती हूँ क्योंकि कोई खाता ही नहीं है तो मैं उमन खीर में ये सारी चीजें डाल दिया करती हूँ तो खीर भी तैयार हो गई चने की दाल बॉयल हो रही थी तो मैंने कहा कि थोड़ी सी ना मैं सफाई कर लूँ हालांकि आ, मेड आती है वो पूरी सफाई कर जाती है लेकिन फिर खुद भी तो देखना होता है ना आ, घर तो अपना ही है आप किसी और के रहम करम पे तो नहीं छोड़ सकते वो भी आती है बेचारियां सारा कुछ कर जाती हैं होता क्या है कि बस जैसे ये मैंने जैसे ये रबड़ प्लांट्स हैं तो इनके पत्तों पे भी इतनी डस्ट आ जाती है तो उसका मैंने एक स्प्रे बनाया हुआ है तो सारे पत्तों पे डाल देती हूँ तो वो माशाल्लाह से ऐसे शाइन हो जाते हैं ना लाइक like मैंने उसमें थोड़ा सा इतर, मतलब एक परफ्यूम है जैसे रूम फ्रेशनर का होता है वो डाल दिया है सिरका है पानी है तो उससे बहुत ज्यादा चमक जाता है तो जनाब हो गई थी असर की अजान और मैंने पढ़ ली नमाज क्योंकि इसके बाद अब मुझे कुकिंग में दोबारा लगना था क्योंकि चने की दाल बॉयल करके रख दी थी और खीर भी तैयार हो गई थी तो इसके बाद मुझे अभी कंटिन्यू करना था अच्छा होता क्या है कि आ, चीज़ें आप ऐसे ही बोल देती हैं दाल पूरी खीर लेकिन इन चीज़ों में टाइम भी लगता है आ, लेकिन भला हो कुकर का कि प्रेशर कुकर में हर चीज़ ही फटाफट से हो जाती है तो ये चने की दाल जो है बस दो तीन सीटी में या कह लें कि पाँच मिनट के अंदर ये बॉयल हो जाती हैं अच्छा जी यहाँ पर क्या हो गया कि मेरे जो पीलर है जो मेरी किचन की साथी है तो वो कहीं गायब हो गई और मैं उसे ढूंढ रही थी कि ये पीलर कैसे नजरों से ओझल हो गई क्योंकि मुझे छीलने थे आलू तो काफी तलाश बस यार के बाद वो मिल गया होता क्या है कि अक्सर चीजें नजर के सामने होती हैं और लेकिन वो कैसे छुप जाती है ना ये ढूंढाई की मैंने हर तरफ उसे और वो बिल्कुल सामने ही रखी हुई थी ना खैर जनाब आलू को मैंने छील लिया और इसको भी मैं कुकर में ही बनाऊंगी तो साथ मैंने इसके अंदर सिर्फ खड़े गरम मसाले थोड़े से आ, काली मिर्चें नमक थोड़ी अजवाइन और लहसुन अदरक का पेस्ट नमक कुटी मिर्च हल्दी और ऑयल डाल दूंगी साथ में और बस एक ना छोटी सी आधी प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी बस अब ये सारी चीजों को जो है ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर लगा दूंगी तो आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी इधर दाल पूरी के जो मसाला होते हैं ना जो अभी मुझे दाल के अंदर मिक्स करना है तो उसमें ज़ीरा है जीरे को थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी ड्राई रोस्ट तो उससे अच्छी खुशबू आ जाती है और साथ में मैंने जो मेरे पास साबित लाल मिर्चें तो नहीं थी तो जो कुटी मिर्चें थी ना उनको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया हम वज़न लेके और इनको मैंने इस तरह से पीस लिया है बारीक सा अब चने की दाल को भी मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी और उसके अंदर अभी ये मसाला मिलाने की बारी आएगी तो आज जो है वो पता नहीं किचन में क्या है कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं जब भी मैं कोई चीज़ उठाने जाती हूँ तो मैं उसको कहीं भी रख कर भूल जा रही हूँ तो ऐसा कभी कभार होता है कि नज़र के सामने ही होती हैं चीज़ें और वो मिलती नहीं हैं तो अभी बस सारी मैंने दाल को भी जो है वो पीस लिया है बिल्कुल बारीक फाइन और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल ड्राई जिस तरह भी चाय पीस लें अगर बहुत ज़्यादा गलाते हैं तो आ, वो होता है कि कुकर में ही आप उसको मैश कर लें तो भाई मेरी अम्मी तो इस तरह करती थी कि सिल पर जो है ये पीसा करती थी तो सिल पर पिसने के बाद जो है वो अलग ही जायका होता है मुझे नहीं समझ आता कि पहले की ख़ात इतनी मेहनत कर लिया करती थी तो अब यहाँ पर मैंने देखी वो ज़ीरा मिर्चें डाल दी नमक डाल दिया और लहसन भी इसके अंदर पीसी हुई डाल दिया मैंने अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी तो इस तरह से जैसे मुट्ठी बन जाए मतलब ऐसे ही अगर आ, मैं बहुत ज़्यादा ड्राई रखूंगी ना तो रोटियों से निकल जाएगी तो मैं हल्का सा पानी भी मैंने छिड़क दिया है ताकि वो ऐसी मुठियां सी बन जाएँ ये देखें आलू भी तैयार है और आज चूंकि बहुत ज़्यादा भूलने का दिन है तो यहाँ पर मैं इमली डालना भी भूल गई थी हालांकि अगर मैं इमली डाल देती तो बहुत अच्छे से ना वो अपना जूस निकाल देती लेकिन चूंकि आज बिल्कुल ही ए बार बार मैं कुछ भूल जा रही हूँ आज तो शाम हो गई थी तो मैंने साथ साथ चाय भी चढ़ा ली मैंने कहा चलो अभी चाय का भी टाइम है और मौसम इतना अच्छा है कि बस दिल चाहता है इस मौसम में कि बस गरम-गरम चाय हो छोले हों पकोड़े हों चाट हो यकीनन आप सबका भी यही दिल चाहता होगा तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हर चीज़ ही बना लिया करें कि भाई छोले भी घर में बनाएं पकोड़े भी कभी कभार तो बाहर से भी मंगाना चाहिए बेचारे या इतनी मेहनत से बनाते हैं तो उनकी चीज़ें भी तो लेनी चाहिए तो जनाब यहाँ पे सारा मसाला मिक्स कर दिया आटे के मैंने पेड़े बना लिए और उनके अंदर अब मैं ये फिल कर रही हूं जिस तरह से रोटी को छोटा छोटा सा हाथों से बढ़ा लें या बेल लें और उसके बाद इनकी रोटियां हल्की हल्की और रोटी ना बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए अच्छी सी जरा मोटी मोटी सी होनी चाहिए तो ये देखें मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मुझे पूरियाँ पराठे बनाने होते हैं। मैं एक साथ दो तीन तवे पैन जो कुछ भी अवेलेबल है ना सब चढ़ा देती हूँ मैं तो यहाँ पर ये खाना तैयार हो गया था और मेरे ख्याल में सात या आठ बज चुके थे इस वक्त तो मैंने कहा चलो अब ये मेरा डिनर टाइम भी हो गया है और साथ में चाय टाइम भी आज साथ ही साथ हो गया मेरा और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था आज और मुसलसल बारिश हो रही थी तो कराची वालों के लिए तो ये बिल्कुल बारान रहमत वाकई रहमत की बात है कि अल्लाह ताला की रहमत इतनी आ गई है कराची में बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है इतना अच्छा कि अभी पिछले दिनों बल्कि कई महीने तक जो है हम गर्मी इतनी शदीद थी कि ऐसा लगता था कि सूरज के दरमियान कुछ भी नहीं है बस हम लोग हैं ज़मीन है और सूरज है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम ने करवट बदली और इतना प्यारा महीना आ गया ये अगस्त का महीना बहुत अच्छा गया है मिट से और आज जो ये बारिश हो रही है ना ये मुसलसल रात से हो रही है और सारे दिन से ही बारिश हो रही है तो बस थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली थी दवाएं चल रही हैं तबीयत खराब हो रही है इस मौसम में तो बस ये दवाओं का सीज़न भी आ गया है हर तरफ दवाएं रखी हुई हैं तो वही मैं उठाकर रख रही थी और कपड़े धो लिए थे लेकिन बात यह है कि मौसम में इतनी नमी है ना हवा में कि हर हाँ चीज़ में नम नम सी है तो कपड़े जो है मैंने देखा कि ज़्यादातर इतने ड्राई नहीं हुए तो जो भी बस ड्राई कपड़े थे ना मैंने कहा बस उन्हीं को उतार लेती हूँ बाकी अभी उनमें और मज़ीद हवा लग जाए ना क्योंकि जब वो थोड़े से कपड़े गीले भी उतार के रख दो और तह लगा दो ना तो उसमें अजीब सी एक स्मेल हो जाती है तो फिर वो कपड़े जहां भी रखो ना तो अजीब सी ही स्मेल आ रही होती है अलमारियों से तो बाकी कपड़े तो मैंने वहाँ छोड़ दिए और मैंने कहा चलो जो भी ड्राई हो गए ना उनको मैं आ, तह लगा दूँ साथ के साथ क्योंकि अगर ये कपड़े छोड़ दो ना तो बस यूँ ही ढेर के ढेर लग जाते हैं तो काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते मौसम अच्छा हो खूबसूरत हो छुट्टी का दिन हो बट मेरी छुट्टी नहीं है या मैं ये समझूंगी कि जो भी घर की खातन हैं उनकी छुट्टी नहीं होती है तो ये थोड़े थोड़े काम भी है ना ये भी एक काम ही है ये भी एक आपके टाइम तो ले रहे होते हैं ना आप कुछ भी कर लें अभी चाय लेकर मैं अपनी ऊपर आ गई थी और मेरा इतना मूड था कि मैं आराम से बैठ के अभी चाय पीऊँगी कुछ देर टी वी देखूंगी क्योंकि बस ये मेरा टी वी टाइम होता है तो जो भी इस वक्त से ड्रामे आ रहे होते हैं लाइक डेली सोप वगैरह तो उनको देखना और उन पर कमेंट्स वगैरह देना भी जो है ये भी मेरा एक काम होता है और मेरी बेटियाँ मुझे कह रही होती हैं कि आप ये क्यों देखती हैं तो आज जो है ना वो बड़ा ही मूड था कि ना मैं छोले चाट खाऊं लेकिन वो भी बाजार वाली तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था जो भी आजकल ऑनलाइन है तो बस उसका इंतज़ार कर रही थी चाय पी रही थी ड्रामा देख रही थी तो अभी बस उसी का इंतज़ार है और उस इंतज़ार में मैं बैठी हुई हूँ अच्छा होता क्या है कि जब मौसम ऐसा हो ना तो दिल बड़ा ही इन चीज़ों का चाहता है कि चाट खाएं, दही बड़े खाएं और बड़ी चटपटी चीज़ों खाने का दिल चाहता है बारिशों में मेरा तो ये है और अक्सर मैं बनाती हूँ पकोड़े वगैरह जल्दी जल्दी से बनाकर दे देती हूँ सबको साथ में चटनियाँ बना देती हूँ तो लीजिए जी यहाँ मेरा चूंकि आज दिल था कि मैंने आज तो चने चाट खाना है तो ये मैंने ऑर्डर किया था तो ये चाट जनाब आ गई है और वाकई इतने मजे की चाट थी और मौसम के साथ तो इसका लुत्फ इतना दोबाला हो गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ जो मेरी ख्वाहिश थी ना आज की वो पूरी हो गई कि खूबसूरत मौसम हो साथ में गरम-गरम चाय की प्याली हो और चटपटे छोले हो और मौसम इतना प्यारा हो गया था ना कि मुझे तो सर्दी लगने लग गई थी और मैंने यहाँ पे एक चादर भी ले ली थी और इसके साथ साथ में अब ये चाट खा रही थी चूंकि बहुत ही मजेदार थे और इस मौसम में तो बहुत ही मजा आ गया